मैं विवेक कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल खंडवा एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर पाँच है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, वाट। चलिए हम देखते हैं, पहले हम शॉर्ट तरीका से देखेंगे। देखिए, हम पाँच है तो पाँच का हम स्क्वायर करेंगे, पाँच का स्क्वायर करके माइनस दो कर लेंगे। पाँच का स्क्वायर पच्चीस और माइनस दो तो बराबर तेईस आ जाएगा हमारा। आ गया फर्स्ट नंबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए, अगर प्लस प्लस रहेगा तो हम माइनस दो कर लेंगे, अगर माइनस रहेगा तो हम प्लस कर लेंगे। अगर देखिए, अब इसके फार्मूला पर हम बनाते हैं, तो देखिए फार्मूला पर बनाएंगे तो ये फार्मूला इसका बनाएंगे इस पर। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर हमारा होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है, तो हम टू और एक्स गुने वन बाई एक्स लिख देंगे। तो एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा। अब इसका हमारा मान कितना दिया है, पाँच दिया है, तो पाँच के स्क्वायर हम करेंगे, पाँच के स्क्वायर अब माइनस दो, तो ये हमारा हो गया पच्चीस माइनस दो यानी तेईस। तो हम ये शॉर्ट विधि हम अपनाएंगे और ये हो गया हमारा लॉन्ग विधि। जो आपको अच्छा लगे उस तरह से बनाइए आप। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यदि एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर चार है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए, वैसे ही देखिए, अब हम चार का स्क्वायर करेंगे, चार का स्क्वायर करेंगे और माइनस दो कर लेंगे। चार का स्क्वायर हमारा हो गया सोलह और माइनस दो, तो हमारा आंसर आ गया चौदह, चौदह आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर फोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर आठ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा माइनस आ गया तो हम प्लस लेंगे। तो चलिए अब हम चार का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो हम चार का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस हम दो लेंगे, प्लस दो, तो ये हमारा हो गया, चार का स्क्वायर हो जाएगा सोलह और प्लस दो, तो हमारा आ जाएगा आंसर अट्ठारह, अट्ठारह आंसर आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर चार है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर देख, पहले हम लोग देखे थे स्क्वायर वाला, अब यहाँ पर आ गया हमारा क्यूब वाला आ गया। तो देखिए, अब हम चार को क्यूब करेंगे, चार का क्यूब करेंगे, चार के क्यूब करेंगे और चार में और तीन में हम इसमें इसके स्क्वायर में गुना करेंगे और गुना करेंगे, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया चार दिए बारह, चार का क्यूब हमारा आ जाएगा चौंसठ और माइनस बारह, तो ये हमारा आ गया बावन, आ गया बावन आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए, हम यहाँ इस चार है और तीन, चार और तीन में हम गुना करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेते हैं। चार का क्यूब चौंसठ और माइनस बारह, तो हमारा आ गया बावन, आंसर बावन हमारा आ जाए, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर फाइव है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बराबर वाट। तो देखिए, वहाँ पर हम लोग प्लस का देखे थे, अब यहाँ पर हमारा माइनस आ गया। तो देखिए, अब हम पाँच का क्यूब करेंगे और इसमें हम गुना कर देंगे, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह,
पाँच में तीन से कीजिएगा तो ये हमारा आ गया 15, और पाँच का क्यूब 125 हो जाएगा और प्लस 15 तो ये हमारा आ गया 140 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए।